एमपी के राजगढ़ में ब्यावरा शहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 72 घंटे में नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अपराध क्रमांक 755/22 धारा 363 में अपराध पंजीबद्ध हुआ। जिला राजगढ़ पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी द्वारा चलाए जा रहे नाबालिग बालिकाओं के दस्तयाबी हेतु अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद एवं SDOP ब्यावरा नेहा गौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर नाबालिग की तलाश पतारसी हेतु रवाना की गई। विवेचना के दौरान नाबालिग अपहर्ता को जयपुर के श्यामपुर डुंगरी थाना आमेर से 48 घंटे में दस्तयाब किया गया। आरोपी विनोद मेहता को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया। कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी ब्यावरा शहर राजपाल सिंह राठौर, उप निरीक्षक रमेश जाट, कुलदीप पांडे, आरक्षक 444 श्याम रघुवंशी, महिला आरक्षक 904 आयशा बानो, आरक्षक शशांक, आरक्षक जयप्रकाश साइबर सेल की रही। पीड़ित पक्ष द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उनकी नाबालिग बच्ची को कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसला कर वहाँ कर ले गया है। इसमें 363 के अंदर मामला पंजीबद्ध किया गया था। इसमें विवेचना के दौरान जो हमारी टीम थी, इस टीम के द्वारा जो बालिका थी उसको आरोपी विनोद मेहता, जो कि बारा देवरी बारा का रहने वाला है, इसके कब्जे से बालिका को जयपुर से दस्तियाब किया गया है। सर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया? इसमें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें बालिका के कथनों के आधार पर 366, 376 भारतीय दंड विधान एवं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत धाराएं बढ़ाई जाकर आरोपी को न्यायालय पेश किया जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।